तो ये तीन तस्वीरें शपथ ग्रहण कार्यक्रम की, समारोह की, जिसमें भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में गीता लेकर तमाम जो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए विधायक पहुंचे थे, हाथ में गीता लेकर पहुंचे थे। शपथ लेने वाले सभी विधायकों के हाथ में भगवत गीता थी। विधायकों ने हाथ में गीता लेकर शपथ ली और शपथ के बाद दस्तखत करते वक्त भी नए मंत्रियों ने अपने पास गीता रखी, जिसकी तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। ये एक नई किस्म की तस्वीर इस बार आपको देखने को मिली और शायद पहली बार सभी मंत्रियों के हाथ में भगवत गीता थी जब वो शपथ ले रहे थे। निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। निर्णय, सबसे पहले जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इसी पर आपसे आपकी राय लेना चाहते हैं। सबके हाथ में गीता थी जब वो शपथ ले रहे थे, हमने देखा सभी 16 मंत्री मुख्यमंत्री। ये एक खास मैसेज देने की कोशिश की गई आज। देखिए वैसे मैं बता दूं, ये कोई पहला मौका नहीं है जब मंत्रियों के हाथ में इस तरह से शपथ लेते वक्त गीता देखी गई है। इससे पहले भी जब मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी तब उनके हाथ में गीता थी। मैं पिछले एटलीस्ट 2 बार से तो देख रहा हूँ इसको। ये एक मैं कह सकता हूँ एक शिष्टाचार बन गया है अब यहाँ पे गुजरात के अंदर, जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार हर शपथ समारोह में हम देखते हैं कि मंत्रियों के हाथ में गीता है। और गीता एक तरह से सौरभ हम जानते हैं कर्तव्य परायणता का संदेश देती है। गीता जो है वो आपको प्रैक्टिकल बनने का संदेश देती है। गीता आपको कर्मनिष्ठ बनने का संदेश देती है। गीता आपको इस बात का एहसास दिलाती है कि जिस कर्तव्य की आप प्रतिज्ञा ले रहे हैं उसके प्रति आपको किस प्रकार से निष्ठावान रहना है और निष्पक्ष होकर के बिना किसी द्वेष और बिना किसी प्रकार के प्रेजुडाइज के आपको काम करना है लोगों की भलाई के लिए। अगर आप गीता का पूरा सार पढ़ें तो जाहिर सी बात है कि जब गीता हाथ में लेकर के मंत्री शपथ ले रहे हैं तो उनका एक जो कमिटमेंट है अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, अपने जनता के लिए जिनके प्रति वो जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं इसे हम एक सिंबोलिज्म के रूप में देख सकते हैं। सौरभ, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।